देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बयानबाजियां जोरों पर चल रही हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव में लगभग एक साल का वक्त है। इस बीच शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीते शनिवार को बेहद आत्मविश्वास और दावे के साथ कहा कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, तो वो उन्हें आसानी से हरा देंगी। वहीं कुछ दिनों पहले ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगले साल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जल्द ही बड़ी भूमिका में नजर आ सकती हैं। इस बीच शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि साल 2024 के चुनाव में मौजूदा सरकार की विदाई तय है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला बोला और कहा कि बीते 15 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा लाल किले पर दिया गया भाषण उनका आखिरी संबोधन साबित होगा। का माहौल जो है वो अब नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के मन में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई, जिस ओवर कॉन्फिडेंस से देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मैं फिर से आऊंगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे झलक रही है। पर देश की सच्चाई ये है और हकीकत ये है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है और ये जनता देख रही है और जनता इनसे सवाल करेगी। और ये इनका आखिरी स्पीच था रेड फोर्ट से। अगले साल इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे बढ़ाकर। उन्होंने ये भी कहा कि ताजा राजनीति माहौल में विपक्षी गठबंधन इंडिया फ्रंट फुट पर है। वाराणसी की सीट के गठबंधन में चर्चा होगी कि उस सीट के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो वो जरूर जीतेंगी। देखिए, हम लोग सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे रहकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से लेकर रेड फोर्ट तक सिर्फ इस अलायंस को कोस रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं जब से ये अलायंस बनकर आया है। सच्चाई ये है, 26 पार्टियां हैं, उनके जितने MLAs हैं, जितने MPs हैं, जो वोट शेयर है, वो सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हड़कंप जो मचा हुआ है अमित शाह जी के मन में, खुद प्रधानमंत्री के मन में, तो अगर उनको अमेठी से लड़ना पड़े, अमेठी से लड़ेंगे, और रायबरेली से अगर और वाराणसी से अगर वो लड़ने की बात करती हैं, आई एम वेरी सर्टेन कि बनारस की जनता उनका साथ देगी। प्रियंका जी जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। वहीं संजय राउत ने भी समाचार एजेंसी ANI को दिए एक बयान में ये बात कही कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा सीट निकालना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, मैं आश्वस्त हूं कि प्रियंका जीतेंगी। राउत ने कहा कि 2024 में पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। बता दें कि आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर तक मुंबई में इंडिया गठबंधन के 26 राजनीतिक दल के नेता भाजपा सत्ता के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बैठक करने वाले हैं। इस गठबंधन का मकसद साफ है कि अगले साल लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र की सत्ता से बाहर करना है। इस बैठक से पूर्व गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। वहीं दूसरी बैठक 17-18 जुलाई के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई थी। अब इस बैठक में क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अब मुंबई में होने वाली बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।